नमस्कार, मैं भवदीय दिलावर सिंह वाघेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो है हमारा सबका फेवरेट टॉपिक प्रश्न कुंडली। ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न कुंडली करके एक भाग है जिसमें आप कोई भी प्रश्न का इंस्टेंट यानी कि तुरंत जवाब दे सकते हो और ये मोर देन 70% ओके ही जाता है। तो देखिए, जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं या प्रश्न कुंडली जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको अंत तक देखिएगा ताकि आपको प्रश्न कुंडली जो है वो कितनी इफेक्टिव है वो आपको पता चलेगा और कितनी सरल है यानी कि ईजी है सीखनी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे एक क्लाइंट थे जो कोलकाता से थे और उन्होंने हमें प्रश्न पूछा था कि मुझे जॉब कब मिलेगी। यानी 25 जून 2019 को उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि मुझे जॉब कब लगेगी। तो देखिए, वो जो डेट थी 25 जून, और जो टाइम था वो टाइम जो था वो था 2:21 दोपहर, यानी 2:21 PM। डेट है 25 जून 2019। ये दिन उन्होंने प्रश्न पूछा और जो टाइम था उसके हिसाब से हमने एक प्रश्न कुंडली बनाई जो कि आपके सामने है। अब उनका जो प्रश्न था वो था जॉब से रिलेटेड। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार कई लोग आते हैं जो आके बैठते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए कि हमारा प्रश्न क्या होगा। तो मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताना चाहता हूँ कि प्रश्न कुंडली के सपोर्ट से आप सामने वाला जो क्लाइंट है वो कौन सा प्रश्न लेके आया है वो भी आप बता सकते हो। जैसे कि इन्होंने जो प्रश्न पूछा, जो डेट और टाइम पे मैंने प्रश्न कुंडली रखी, तो देखिए चंद्रमा जो है वो आप देख सकते हो कौन से भाव में है, छठे भाव में। तो छठा भाव जो है, सिक्स्थ हाउस, वो नौकरी का है, वो जॉब का है। यानी उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो जॉब के रिगार्डिंग पूछा, ये एक नंबर। तो मैंने बताया था मेरे कई वीडियो से प्रश्न कुंडली पे, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, प्रश्न कुंडली के अंदर चंद्रमा जो भाव में आए वो भाव को लेके जातक को प्रश्न होगा। अब फिर हमें उसका जवाब किस तरह से देना है, तो उसके दो तीन तरीके हैं। एक है कि चंद्रमा कब शुभ होता है कुंडली में, प्रश्न कुंडली में। दूसरा है कि जो भाव से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया वो भाव का मालिक कब बलवान होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि चंद्रमा छठे भाव में है, यानी प्रश्न जो पूछा गया जॉब के बारे में है, ये कंफर्म है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जॉब कब मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि चंद्रमा छठे भाव में है, छठा भाव जॉब का है, उसका मालिक है गुरु जुपिटर, जो कि यहाँ द्वितीय भाव में है। ये जुपिटर जो है वो यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है छठे भाव पे, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि है वो छठे भाव पे है। यानी चंद्र और गुरु का एक अच्छा पॉजिटिव संबंध है, यानी जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है उसमें जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, यानी उनको जॉब मिलेगी ही, ये एक नंबर। दूसरा जो है कि यहाँ पे तुला लग्न है जो कि चर लग्न है, यानी चर लग्न जब होता है तब इंसान ने जो भी प्रश्न पूछा हो उसका रिजल्ट 2-3 महीने में आ जाता है, कई बार 2 दिन में भी आ जाता है, 3 दिन में भी आ जाता है, लेकिन उसमें कई चीजें चेक करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हम देखें कि छठे भाव का मालिक गुरु जो है वो दृष्टि डाल रहा है, यानी जॉब मिल जाएगी। चंद्र गुरु का संबंध है वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि चंद्र हमारी इच्छाओं का कारक है। तो कुंडली में, प्रश्न कुंडली में चंद्रमा जितना अच्छा होगा हमारी इच्छा उतनी तुरंत पूर्ण होगी। अब यहाँ पे देखें, छठे भाव का मालिक गुरु जो है वो वक्री है। दोस्तों, जब प्रश्न पूछा गया तब गुरु महाराज, गुरु ग्रह जो थे वो वक्री थे। तो कहने का मतलब, जब ग्रह वक्री होता है तो कहीं ना कहीं वो जो भाव का मालिक है या जो चीजों का कारक है उसमें थोड़ा प्लस माइनस करता है। तो यहाँ पे गुरु जो है वो है वक्री, ओके। तो अब उनको जॉब कब मिलेगी, तो उनको जॉब जो है तब मिलेगी जब गुरु मार्गी होंगे, यानी गुरु ग्रह जब मार्गी होंगे तब उनको जॉब मिलेगी। तो गुरु ग्रह जो थे वो 11 अगस्त से मार्गी हो रहे थे, यानी कल से
हो गए हैं मार्गी। 11 अगस्त को गुरु मार्गी हुए, इसलिए मैंने उनको बताया था कि आपको अगस्त के सेकंड वीक के आजू बाजू में जॉब मिलने की संभावना ज्यादा है, यानी जॉब मिल जाएगी और अगस्त के सेकंड वीक के आजू बाजू मिलेगी, ये मैंने उनको कहा था। और उसका मैंने आपको रीजन बताया, एक जो था कि चंद्रमा जॉब के भाव में है, गुरु की दृष्टि में है, चार लग्न है, और गुरु जो है वो मार्गी होने वाला है यानी 2-3 महीने में। प्रश्न जो पूछा गया था वो जून में पूछा गया था, राइट? तो अब ये कंफर्म हो गया कि उनको अगस्त में जॉब मिल जाएगी। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी मुख जो कुंडली थी यानी उनकी डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स मुझे दी, तो उस पे उसको ध्यान में लेके मैंने जो कुंडली बनाई, लग्न कुंडली जो, तो वो कुंडली क्या थी, उन्होंने जो डेट दी थी, टाइम दिया था उनका जन्म का, उसके हिसाब से भी मैंने एक कुंडली बनाई, तो उसमें देखो वो भी तुला लग्न ही है। यानी कहने का मतलब ये कंफर्म हो गया कि इनकी कुंडली में छठे भाव का मालिक गुरु ही है, तो गुरु ही जब मार्गी होगा इनको जॉब मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि उनकी मूल कुंडली जो है उसमें गुरु जो है वो मार्गी है। तो प्रश्न कुंडली के ऊपर से तो ये फाइनल ही था। फिर उसके बाद ये कुंडली देखी तो मेरा विश्वास जो था और दृढ़ हो गया कि आपको अगस्त में सेकंड वीक के आजू बाजू जॉब मिल जाएगी। ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया कि किस तरह से प्रश्न कुंडली को हमने देखा। प्रश्न कुंडली का लग्न भी तुला, और लग्न कुंडली यानी मुख्य कुंडली जो है उनकी जन्म की तारीख के हिसाब से वो भी तुला है। तो उनका मेरे पे मैसेज आया था जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। हेलो सर, माई सेल्फ स्वाति राव कंसल्टेड यू ऑन 25 जून 2019 फॉर प्रश्न कुंडली एंड ऑन 2 जुलाई 2019 विथ माई पर्सनल कुंडली फॉर जॉब रिलेटेड क्वेश्चन। यू हैड सेड आई विल गेट अ जॉब इन सेकंड वीक ऑफ ऑगस्ट। आई अपियर फॉर इंटरव्यू ऑन 19 जुलाई एंड दे इन्फॉर्म मी टू ज्वाइन ऑन 7 अगस्ट, यानी नियर अबाउट सेकंड वीक कह सकते हैं आप अगस्त का। लाइक यू सेड इट इज नॉट इट इज नॉट हाई सैलरी जॉब, इट इज एन ऑर्डिनरी जॉब। यहाँ पे मैंने उनको कहा था कि आपको जो जॉब मिलेगी वो इतनी हाई सैलराइज नहीं मिलेगी, लो सैलराइज मिलेगी। उसका रीजन जो था वो 2-3 रीजन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो शनि जो है उनकी कुंडली में भाग्य भाव की दृष्टि डाल रहे हैं, और पैसों का मालिक मंगल है उस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम का जो भाव है नवम, सॉरी मंगल जो ग्रह है उसपे से राहु का भ्रमण है, यानी द्वितीय भाव जो कि पैसों का है उसका मालिक है मंगल, वो शनि और राहु की दृष्टि में राहु के ऊपर से वो पसार हो रहा है राहु मंगल पे से, तो उनको जो जॉब मिलेगी उतनी हाई सैलराइज नहीं मिलेगी, लो सैलराइज मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि लाइक यू सेड इट इज नॉट सो हाई सैलरी जॉब, इट इज एन ऑर्डिनरी जॉब। आई विश टू कंसल्ट यू अगेन रिगार्डिंग माई कैरियर जॉब ऑप्शन आफ्टर डूइंग दिस जॉब फॉर एटलीस्ट 5 to 6 months। तो वो फिर से हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ। एंड उन्होंने ही कहा कि काइंडली अपलोड द प्रश्न कुंडली ऑन यूट्यूब एज आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी थ्रू योर वीडियोज, बेस्ट रिगार्ड स्वाति। तो वो खुद भी बहुत ही अच्छा ज्योतिष समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उन्होंने ही कहा मुझे कि आप ये इस पर प्रश्न कुंडली पे वीडियो बनाए और यूट्यूब पे रखें, ताकि जो उनके जैसे लोग हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनको भी फायदा हो। और हमारा जवाब था कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक फॉर शेयरिंग, आई एम गोइंग टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ योर परमिशन। तो दोस्तों प्रश्न कुंडली जो है वो ऐसा टूल है जिससे आप कोई भी प्रश्न का उत्तर बहुत जल्द विद इन अ सेकंड दे सकते हो। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करना ना भूले, और मेरी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ में ही दोस्तों आपने जो ये मेरा वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका खूब ही शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपकी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, प्रश्न कुंडली के द्वारा आप कोई प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, या फिर आप वास्तु रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका है, क्वेरी है, आप कोई प्लान बनवाना चाहते हैं वास्तु के हिसाब से, या वास्तु आप दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है भवदीय दिलावर सिंह वाघेला, कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218008।
मेल आईडी है मेरा info@astroalchemist.com, मेरी वेबसाइट है www.astroalchemist.com। दोस्तों आशा रखता हूँ ये प्रश्न उपमंडली पर बनाया हुआ वीडियो जो है आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके ज्ञान को और भी बढ़ाएगा। इसी इच्छा के साथ मैं भवदीय दिलावर सिंह वाघेला सोने की चिड़िया भारत से ये वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए रजा दीजिए, गुड बाय, टेक केयर।